भारत का संविधान अनुच्छेद 371 ख असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 371 ख इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति असम राज्य के संबंध में किए गए आदेश द्वारा उस राज्य की विधानसभा की एक समिति का गठन और कृत्यों के लिए जो समिति छठी अनुसूची के पैरा 20 से संलग्न सारणी के भाग एक में विनिर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों से निर्वाचित उस विधानसभा के सदस्यों से और उस विधानसभा के उतने अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जितने आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाए तथा ऐसी समिति के गठन और उसके उचित कार्यकरण के लिए उस विधानसभा की प्रक्रिया के नियमों में किए जाने वाले उपांतरणों के लिए उपबंध कर सकेगा। अनुच्छेद 371 ग मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 371 ग एक इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति मणिपुर राज्य के संबंध में किए गए आदेश द्वारा उस राज्य की विधानसभा की एक समिति के गठन और कृत्यों के लिए जो समिति उस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में निर्वाचित उस विधानसभा के सदस्यों से मिलकर बनेगी राज्य की सरकार के कामकाज के नियमों में और राज्य की विधानसभा की प्रक्रिया के नियमों में किए जाने वाले उपांतरणों के लिए और ऐसी समिति का उचित कार्यक्रम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्यपाल के किसी विशेष उत्तरदायित्व के लिए उपबंध कर सकेगा। दो, राज्यपाल प्रतिवर्ष या जब कभी राष्ट्रपति ऐसी अपेक्षा करे मणिपुर राज्य की पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्य को निर्देश देने तक होगा। स्पष्टीकरण, इस अनुच्छेद में पहाड़ी क्षेत्रों से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा पहाड़ी क्षेत्र घोषित करे। अनुच्छेद 371 घ आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 371 घ राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में किए गए आदेश द्वारा प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दोनों राज्यों के विभिन्न भागों के लोगों के लिए लोक नियोजन के विषय में और शिक्षा के विषय में संपूर्ण अवसरों और सुविधाओं के का उपबंध कर सकेगा और दोनों राज्यों के विभिन्न भागों के लिए भिन्न भिन्न उपबंध किए जा सकेंगे। दो, खंड एक के अधीन किया गया आदेश विशिष्टतया का राज्य सरकार से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह राज्य की सिविल सेवा में पदों के किसी वर्ग या वर्गों का अथवा राज्य के अधीन सिविल पदों के किसी वर्ग या वर्गों का राज्य के भिन्न भागों के लिए भिन्न स्थानीय काडरों में गठन करे और ऐसे सिद्धांतों और प्रक्रिया के अनुसार जो आदेश विनिर्दिष्ट की जाए ऐसे पदों को धारण करने वाले प्रत्येक वाले व्यक्तियों का इस प्रकार गठित स्थानीय काडरों में आवंटन करें। ख, राज्य के ऐसे भाग या भागों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जो एक राज्य सरकार के अधीन किसी स्थानीय काडर में चाहे उसका गठन इस अनुच्छेद के अधीन आदेश के अनुसरण में या अन्यथा किया गया है पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए। दो, राज्य के भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी काडर में पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए। और तीन,
राज्य के भीतर किसी विश्वविद्यालय में या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य शिक्षा संस्था में प्रवेश के प्रयोजन के लिए स्थानीय क्षेत्र समझे जाएंगे। ग, वह विस्तार विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिस तक वह रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिससे और वे शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनके अधीन यथास्थिति ऐसे काडर विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था के संबंध में ऐसे अभ्यार्थियों को जिन्होंने आदेश में विनिर्दिष्ट किसी अवधि के लिए स्थानीय क्षेत्र में निवास या अध्ययन किया है। एक उपखंड ख में निर्दिष्ट ऐसे काडर में जो इस नियमित आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए पदों के लिए सीधी भर्ती के विषय में। दो, उपखंड ख में निर्दिष्ट ऐसे विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था में जो इस नियमित आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए प्रवेश के विषय में अधिमान दिया जाएगा या उनके लिए आरक्षण किया जाएगा। तीन, राष्ट्रपति आदेश द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के लिए और तेलंगाना राज्य के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण के गठन के लिए उपबंध कर सकेगा जो अधिकरण निम्नलिखित विषयों की बाबत ऐसी अधिकारिता शक्ति और प्राधिकार का जिसके अंतर्गत वह अधिकारिता शक्ति या प्राधिकार है जो संविधान 32वां संशोधन अधिनियम 1973 के प्रारंभ से ठीक पहले उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा अथवा किसी अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य था प्रयोग करेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए अर्थात क राज्य की सिविल सेवा में ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर अथवा राज्य के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गों के सिविल पदों पर अथवा राज्य के भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाए नियुक्त आवंटन या प्रोन्नति। ख, राज्य की सिविल सेवा में ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर अथवा राज्य के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गों के सिविल पदों पर अथवा राज्य के भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं नियुक्त आवंटित या प्रोन्नत व्यक्तियों की ज्येष्ठता। ग, राज्य की सिविल सेवा में ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर अथवा राज्य के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गों के सिविल पदों पर अथवा राज्य के भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर नियुक्त आवंटित या प्रोन्नत व्यक्तियों की सेवा की ऐसी अन्य शर्तें जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं। चार, खंड तीन के अधीन किया गया आदेश का प्रशासनिक अधिकरण को उसकी अधिकारिता के भीतर किसी विषय से संबंधित व्यथाओं के निवारण के लिए ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त करने के लिए जो राष्ट्रपति आदेश में वे निर्दिष्ट करे और उस पर ऐसे आदेश करने के लिए जो वह प्रशासनिक अधिकरण ठीक समझता है प्राधिकृत कर सकेगा। ख, प्रशासनिक अधिकरण की शक्तियों और प्राधिकारों और प्रक्रिया के संबंध में ऐसे उपबंध जिनके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण की अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति के संबंध में उपबंध है अंतर्विष्ट कर सकेगा जो राष्ट्रपति आवश्यक समझे। ग, प्रशासनिक अधिकरण को उसकी अधिकारिता के भीतर आने वाले विषयों के संबंध में और उस आदेश के प्रारंभ से ठीक पहले उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी
न्यायालय अथवा किसी अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित कार्यवाही के ऐसे वर्गों के जो आदेश में भी निर्दिष्ट किए जाए अंतरण के लिए उपबंध कर सकेगा। घ ऐसे अनुपूरक अनुसंगिक और पारिणामिक उपबंध जिसके अंतर्गत फीस के बारे में और परिसीमा साक्ष्य के बारे में या तत्समय परिवृत्त किसी विधि को किन्हीं अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू कराने के लिए उपबंध है अंतर्विष्ट कर सकेगा जो राष्ट्रपति आवश्यक समझे। 5 प्रशासनिक अधिकरण का किसी मामले के अंतिम रूप से निपटाने वाला आदेश राज्य सरकार द्वारा उसकी पुष्टि किए जाने पर या आदेश किए जाने की तारीख से 3 मास की समाप्ति पर उनमें से जो भी पहले हो प्रभावी हो जाएगा, परंतु राज्य सरकार विशेष आदेश पर जो लिखित रूप में किया जाएगा और जिनमें उसके कारण निर्दिष्ट किए जाएंगे प्रशासनिक अधिकरण के किसी आदेश को उसके प्रभावी होने के पहले उपांतरित या रद्द कर सकेगा और ऐसे मामले में प्रशासनिक अधिकरण का आदेश यथास्थिति ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या वह निष्प्रभाव हो जाएगा। 6 राज्य सरकार द्वारा खंड 5 के परंतु के अधीन किया गया प्रत्येक विशेष आदेश किए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। 7 राज्य की उच्च न्यायालय को प्रशासनिक अधिकरण पर अधीक्षक अधीक्षण की शक्ति नहीं होगी और उच्चतम न्यायालय से भिन्न कोई न्यायालय अथवा कोई अधिकरण प्रशासनिक अधिकरण की या उसके संबंध में अधिकारिता शक्ति या प्राधिकार के अधीन किसी विषय की बाबत किसी अधिकारिता शक्ति या प्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। 8 यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि प्रशासनिक अधिकरण का निरंतर बने रहना आवश्यक नहीं है तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा प्रशासनिक अधिकरण के उत्सादन कर सकेगा और ऐसे उत्सादन से ठीक पहले अधिकरण के समक्ष लंबित मामलों के अंतरण और निपटारे के लिए ऐसे आदेश में ऐसे उपबंध कर सकेगा जो ठीक समझे। 9 किसी न्यायालय अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय डिग्री या आदेश के होते हुए भी किसी व्यक्ति की कोई नियुक्ति पदस्थापना प्रोन्नति या अंतरण की बाबत जो 1 नवंबर 1956 से पहले यथाविधिमान हैदराबाद राज्य की सरकार के या उसके भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन उस तारीख से पहले किसी पद पर किया गया था या 2 संविधान 32वां संशोधन अधिनियम 1973 के प्रारंभ से पहले आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार के अधीन या उस राज्य के भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी पद पर किया गया था और ख उपखंड क में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा या उसके समक्ष की गई किसी कार्यवाही या बाबत बात की बाबत केवल इस आधार पर कि ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति पदस्थापना प्रोन्नति या अंतरण ऐसी नियुक्ति पदस्थापना प्रोन्नति या अंतरण की बाबत यथास्थिति हैदराबाद राज्य के भीतर या आंध्र प्रदेश राज्य के किसी भाग के भीतर निवास के बारे में किसी अपेक्षा का उपबंध करने वाली तत्समय परिवृत्त विधि के अनुसार नहीं किया गया था यह नहीं समझा जाएगा कि वह अवैध या शून्य है या कभी भी अवैध या शून्य रहा था। 10 इस अनुच्छेद के और राष्ट्रपति द्वारा इसके अधीन किए गए किसी आदेश के उपबंध इस संविधान के किसी अन्य उपबंध में या तत्समय परिवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।
अनुच्छेद 371 अंग आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। अनुच्छेद 371 अंग संसद विधि द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उपबंध कर सकेगी।